गाजर की खीर, इसका सामान आप देख लीजिए। ये है 750 ग्राम गाजर, इसे पील करके ग्रेट कर दिया है मैंने। ये 350 ग्राम चीनी है शुगर, और ये 100 ग्राम चावल है राइस, इसको मोटा मोटा पीस लिया, दर दरा पीस लिया। इसको पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, इसको सिर्फ मोटा मोटा पीसना है। ये काजू है, कैशू नट्स, इसे आप 15 से 20 ले लीजिए और मोटा मोटा ऐसे क्रश कर लीजिए। ये आलमंड्स हैं 15 से 20, ये भी तकरीबन ले लीजिए और इसको भी मोटा मोटा क्रश कर लीजिए। ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर है, कार्डमम पाउडर, और ये दूध है जो हमें मैंने बॉईल करने को रख दिया है, ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है और इसमें बॉईल आने वाला है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। देखिए अब इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ही चावल डालेंगे और 5 मिनट तक इसको ऐसे स्लो आग पे पकाएंगे। 5 मिनट बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसमें गाजर कैसे डालेंगे हम। देखिए इसे पकते हुए 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और ये चावल थोड़ा सा फूलने लगा है। अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे। ये गाजर हमने डाल दी है और इसके एक बॉईल का हमें वेट करेंगे और उसके बाद हम इसे स्लो फ्लेम पे रख देंगे। देखिए इसमें बॉईल आना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसे स्लो पे रख देंगे, बिल्कुल मीडियम पे। 10 से 20 मिनट इसे हो चुके हैं पकते हुए और इसका एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी बस चावल और गाजर थोड़े से रह गए हैं, बस थोड़ा हम इसे और थिक करेंगे, फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। देखिए अभी थिक हो गई है और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद में आप इसे थोड़ा सा ऐसे चलाइए, फिर शुगर जो है पानी अपना छोड़ती है, उसके बाद में आप इसे मीडियम टू लो पे रख दीजिए। देखिए अभी थिक हो चुकी है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे सारा। ये डाल दिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और हम इसमें अब थोड़े से ये आलमंड्स डालेंगे, बिल्कुल देखिए थोड़े से मैंने छोड़ दिए हैं गार्निशिंग के लिए। ऐसे ये काजू यानी कैशू नट्स हम डाल देंगे इसमें, और ये भी बहुत थोड़े से मैंने छोड़ दिए हैं गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम देखिए अभी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और ये हमारी डिश तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है और सर्दियों में ये बहुत फ़ायदा भी करती है। गाजर आंखों के लिए भी बहुत फ़ायदा करती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।